नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपकी यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि एक एक प्रश्न आपके समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप उसे गलत मत करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बता दूं, जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं, लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ओके दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ है? तो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र है आपका कानपुर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, जो इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो ये है गन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें दो अक्षांश के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है आपका जोन। ठीक है, जोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति किस तिथि को होती है? तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। बात करें इस दिन होता क्या है, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं या फिर इसे कोरोना भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल 8 ग्रहों में कितने ग्रहों को सामान्यतः आंखों से देखा जा सकता है? तो वो है 5 ग्रह, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। इन 5 ग्रहों को आप आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है 71%, और दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, जिसकी प्रतिशतता है 26.5%। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। अगला प्रश्न है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के उपनाम से कौन सा देश विख्यात है? तो वो दोस्त है आपका यूक्रेन गणराज्य, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क में है। सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो देश है कनाडा। कहीं कहीं पर आपको कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी मिल सकता है। तो दोस्तों, जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, कनाडा मिल जाए, कजाकिस्तान मिल जाए या ऑस्ट्रेलिया मिल जाए, वही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये अंडा उत्पादन से इसका संबंध है। भारत में मुख्य सिंचाई का साधन कौन सा है? कुआं व नलकूप। 55.9% सिंचाई कुआं और नलकूप के माध्यम से होती है। दूसरे नंबर पर नहर है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का बोस्टन। अगला प्रश्न है, सेल का फुल फॉर्म बताओ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 में की गई। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कपूरथला पंजाब में की गई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कपूरथला पंजाब में है। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। 877 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुष पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर का क्या नाम है? तो वो है गुलमर्ग। इसकी ऊंचाई है 2651 मीटर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। बात करें स्थापना की तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य 1955 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, थारू नामक जनजाति प्रमुख रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है, थारू नामक जनजाति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का विशेष प्रश्न है, विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा। चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें से जो भी सही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर करें, और इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।